सिद्धार्थ इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल एक ऐसा विद्यालय जहां बच्चे शिक्षा प्राप्त करते हैं और उनका सर्वांगीण विकास होता है। यहां पढ़ाई के अलावा खेलकूद, योगा, कंप्यूटर शिक्षा, मनोरंजन के लिए झूले तथा स्काउट गाइड भी सिखाई जाती हैं। इससे बच्चों में आत्मविश्वास, सहकारिता, सहभागिता, कर्तव्य निष्ठा आदि गुणों का समावेश होता है। यहाँ हिंदी अंग्रेजी माध्यम स्वयं शिक्षा के साथ साथ बच्चों को लाने व ले जाने के लिए यातायात सुविधा भी उपलब्ध है। यहाँ NCERT और CBSE दोनों ही पाठ्यक्रम पढ़ाए जाते हैं। नर्सरी कक्षा में दाखिला फ्री। सिद्धार्थ इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल, ईस्ट ऑफ लोनी रोड, मेन वजीराबाद रोड, गोपालपुरी चौक, दिल्ली 93। टेलीफोन नंबर 2281-783-2281। Ready to have a feast of taste as ABS Enterprises presents Deobhumi Uttaranchal ka utkrisht utpadan, CKG mouth watering fruit jams, continental sauces, pickles in different flavors, vinegar, delicious tomato ketchup, you and CKG. What it क्या नाम है आपका? महिमा सारडो। महिमा जी, आपने 12वीं कक्षा पास की है, कितने परसेंट मार्क्स आए हैं? मेरे 92% हैं एंड टॉप 4 मेरा 94.2 है। इतने अच्छे मार्क्स कैसे हैं आपके? अच्छे मार्क्स सेल्फ स्टडी, हार्ड वर्क, हमारे मेंटर्स की हमारे साथ मेहनत, इन सब की वजह से है। अच्छे मार्क्स सिर्फ तभी आ सकते हैं जब आप खुद से सेल्फ स्टडी करें और जो स्टडी हो पूरी कॉन्सेंट्रेशन के साथ। तो टीचर्स का कोई योगदान नहीं है? सर, मेंटर्स जो हमारे साथ हार्ड वर्क करते हैं, जितना हमारे मार्क्स हैं उसमें 50% मोर देन 50% हमारे मेंटर्स की वजह से, क्योंकि जो हमें वो सिखाते हैं हम वही सीख पाते हैं। अगर बाकी ये चीज़ डिपेंड करती है कि हमने कितना कंसंट्रेशन के साथ हमने अपना प्रिपरेशन किया है उनके साथ लग के, तो टीचर्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स इन आवर मार्क्स। तो आपके 99 क्यों नहीं आए? इतने 5% 4% कम क्यों रह गए? कहाँ कमी रह गई? सर, कभी कभी लैक ऑफ कॉन्फिडेंस की वजह से, जैसे किसी कॉन्सेप्ट में आपको ऐसा लगता है कि आप वीक हैं, तो उस वजह में आप ज़्यादा मेहनत करते हैं, बाकी चीज़ों को भूल जाते हैं, तो उस वजह से सिली मिस्टेक्स। तो आप बेस्ट टीचर कौन हैं? सर, बेस्ट तो सारे टीचर्स होते हैं जो हमें सिखाते हैं, सारे टीचर्स खुद में बेस्ट हैं। जी, फिर भी कोई बेस्ट होता है जो जिससे कुछ सीखती हैं? सर, सारे टीचर्स ही, हमने सारे टीचर्स से बहुत कुछ सीखा है यहाँ पे, कि हमें कैसे किस सब्जेक्ट में कैसे स्टडी करनी है, हमें कैसे अपना प्रिपेयर करना है खुद को, एग्जाम्स हमें कैसे अटेम्प्ट करना है, हमारे सारे टीचर्स ने हमें बहुत अच्छे से सिखाया है। एक्स्ट्रा कोचिंग भी होती थी आपकी? एक्स्ट्रा क्लासेस बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, क्योंकि उन एक्स्ट्रा क्लासेस में हमें बताया जाता है कि हमें आगे कैसे करना है। एक चीज़ होती है आप यहाँ तक कैसे पहुँचेंगे, देन उसके आगे बेस्ट में।
तो क्या बनना चाहती हैं भविष्य में? सर, मैं एक जनरल कंपनी की जनरल मैनेजर बनना चाहती हूँ। मैनेजमेंट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन। आप फर्स्ट स्टूडेंट हैं जो कहती हैं कि मैं जनरल मैनेजर बनना चाहती हूँ प्राइवेट कंपनी या कंपनी बस के अंदर। क्या क्यों मन में आती है बातें? आपने गवर्नमेंट सर्विस नहीं छोड़ी है, आईएएस आईपीएस नहीं कहा आपने? क्योंकि सर, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का मेन पार्ट होता है उसका मैनेजमेंट। चाहे छोटी ऑर्गेनाइजेशन हो, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हो, सब कुछ डिपेंड करता है मैनेजमेंट पे कि आप उसकी मैनेजमेंट कैसी है। किसी ऑर्गेनाइजेशन का वेल बीइंग सब कुछ मैनेजमेंट पे डिपेंड करता है। एंड जनरल मैनेजर जो इस सबको ओवरऑल देखता है वो जनरल मैनेजर होता है। क्या आप अपने उद्देश्य में पूरी हो जाएंगी? नहीं सर, अगर कॉन्फिडेंस हो तो सब कुछ हो सकता है। कॉन्फिडेंस है आपको? जी सर। सेल्फ कॉन्फिडेंस है? जी सर। या किसी डिपेंड नहीं आप? सर, सेल्फ कॉन्फिडेंस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। और वो है कि मैं ये कर लूंगी, जब तक मेरा डिटर्मिनेशन है तब तक मैं अच्छे से कर सकती हूँ। तो एक चीज बताइए कि आपके सब्जेक्ट वाइज कितने मार्क्स आए? मेरे इन्फॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस में 98, अकाउंट्स में 97, मैथ्स में 93, बिजनेस स्टडीज में 95, इंग्लिश में 88 एंड इकोनॉमिक्स में 84। 98 मार्क्स आए आपके, तो इतने बढ़िया मार्क्स कैसे आ गए आपके? सर, ये सब कुछ वही है जो हमने स्कूल में सीखा है अब तक। इन्फॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें अगर आपने समझा है अच्छे से तो इसमें मार्क्स स्कोर करना मुश्किल नहीं होता। सब कुछ डिपेंड करता है कंसंट्रेशन पे। आपकी मुस्कुराहट का राज क्या है? आप मुस्कुरा रही हैं जब से बैठी है, जबकि बच्चे मुस्कुराते नहीं, इंटरव्यू देते टाइम बड़ी टेंशन में रहते हैं। क्या राज इसका मुस्कुराहट का? नहीं पता। थैंक यू, थैंक यू। क्या नाम है आपका? मेरा नाम वेदांत अरोड़ा। वेदांत? कौन से वेदांत हैं आप? जानते हैं वेदांत कौन होता है? जानने की कोशिश कीजिए एक बार। जिसका कोई अंत नहीं हो, वेदों का अंत नहीं हो, वेदांत। वेदों का अंत। तो आपने 12वीं परीक्षा पास की है, कहाँ से की आपने? इसी स्कूल से करी है, नवीन भारती सीनियर सेकेंडरी स्कूल से। कितने परसेंट मार्क्स है आपके? मेरे एग्रीगेट 91.2% है और पीसीएम में यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में 94% है। और सब्जेक्ट वाइज कितने हैं? सब्जेक्ट वाइज केमिस्ट्री में 95, मैथ्स में 95, फिजिक्स में 92, कंप्यूटर साइंस में 90 और इंग्लिश में 84। इतने अच्छे मार्क्स कैसे हैं आपके? क्या किया आपने? कितने घंटे पढ़ते थे आप? मेरे हिसाब से रादर देन घंटे, मतलब क्वालिटी डिपेंड करती है कि मतलब कि जितने भी टाइम आप पढ़ रहे हैं उसमें आपका कंसंट्रेशन कितना है। कि मतलब आप चाहे 6 घंटे पढ़ लो, आपका ध्यान नहीं है तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। आप चाहे 3 घंटे पढ़ लो कंसंट्रेशन से, उससे ज़्यादा इफेक्ट पड़ सकता है। तो आपकी कंसंट्रेशन कितने घंटे की होती थी? अब बीच बीच में तो ब्रेक लेना ही पड़ता है, जब 20 मिनट के बाद, लेकिन छोटे छोटे ब्रेक तो लेने ही पड़ते हैं। अब ज़्यादा ज़्यादा क्योंकि 3 घंटे ज़्यादा ज़्यादा एक बार ही होता। बेस्ट टीचर कौन है आपका? कुछ बेस्ट होगा जिसको बेस्ट मानते हैं? हाँ है, वशिष्ठ सर। क्यों बेस्ट हैं? क्या अच्छा माना उनको आपने? क्योंकि वो फिजिक्स के तो हैं टीचर, मतलब फिजिक्स तो मतलब वो बहुत अच्छे से कराती हैं, साथ ही साथ लाइफ के बारे में भी बताते हैं, लाइफ को अच्छे से कैसे जीना है आगे, और मुश्किलें आएंगी लेकिन उनका डटकर सामना करना है, इस वजह से। क्या सिखाया लाइफ कैसे जीनी चाहिए आपको? एक दो पॉइंट बताइए जनता को कि क्या बताया उन्हें कि जिंदगी कैसे खुश रह सकती है अपनी? उन्होंने ये बताया कि आपको अपनी चॉइस से जीना चाहिए, आपको अपने आप से पूछना पड़ेगा कि आपको क्या पसंद है, रादर देन फैमिली आपको बताया कि ये करो, और जिस चीज़ में आपका इंटरेस्ट है और लगता है कि अब मैं कुछ कर सकता हूँ इसमें, उसमें आपको एफर्ट लगाना चाहिए पूरा 100%, और खुश रहना चाहिए हर समय, क्योंकि वही काम हमें खुश रहकर भी करना है, वही काम दुखी रहकर भी करना, तो अच्छा है कि हम खुश रहकर। भविष्य में क्या बनना चाहते हैं आप? मैं फिजिक्स का टीचर बनना चाहता हूँ। प्रोफेसर या टीचर? एक तो स्कूल में टीचर होते हैं, एक कॉलेज में प्रोफेसर होते हैं। प्रोफेसर। प्रोफेसर। क्या उम्मीदें बन जाएंगी आप? कोशिश करूंगा तो हाँ बन जाऊंगा। कोशिश करोगे या कंफर्म है कि बनोगे आप? कंफर्म है, बन गए। थैंक यू। क्या नाम है आपका? श्रेयांश जैन। श्रेयांश जी, आपने 12वीं परीक्षा पास की है, कितने परसेंट मार्क्स आए? 91%। सब्जेक्ट वाइज कितने में है? इकोनॉमिक्स में 94, बिजनेस स्टडीज में 92, अकाउंट्स में 91, इन्फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिस में 90। क्या आपको उम्मीद थी कि इतने मार्क्स आने हैं, इससे ज़्यादा की उम्मीद थी आपको? उम्मीद तो मैंने जो मेहनत करी थी
उस हिसाब से थोड़ी ज़्यादा की थी, लेकिन फिर भी इतने अच्छा है क्योंकि हमें अपने जो मार्क्स हैं उनसे कभी निराश होना चाहिए, बल्कि आगे मेहनत करने के लिए हमेशा डटे रहना चाहिए, क्योंकि मेहनत अगर हम करते हैं तो हम सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप थोड़ी सी मेहनत और करते तो अच्छे मार्क्स और नहीं आते आपके? खुलासा, क्यों नहीं अच्छी मेहनत की हो आपने? कहाँ कमी आई थी? थोड़े से जो टॉपिक्स थे उसमें थोड़े से, वैसे तो सारे टॉपिक्स मेरे को क्लियर थे, बट एग्जाम में कुछ टॉपिक्स जो होते हैं मतलब अनक्लैरिफाइड, कुछ जो दिक्कत हो गई थी उसके कारण, और बीच में कुछ इलनेस भी हो गई थी उस कारण से थोड़ी प्रिपरेशन अच्छी नहीं हो पाई। बेस्ट टीचर कौन है स्कूल में आपका? सारे बेस्ट हैं टीचर, सब हमें कोई भी डाउट होता है सब टीचर्स हमारे डाउट्स को क्लैरिफाई करते हैं, एक्स्ट्रा क्लासेस हमें प्रोवाइड करते हैं जब भी हमें डाउट्स होते हैं। आपके चेयरमैन साहब का कैसा व्यवहार है आपकी पूछती है? सर का व्यवहार बहुत, सभी बच्चों के प्रति सर का व्यवहार बहुत अच्छा है। सर हमें हमेशा डेडिकेशन के लिए प्रोत्साहित करते हैं, वो कहते हैं अपने पूरा बेस्ट दो और अच्छे अच्छे मार्क्स लाओ। और कभी डांट खानी पड़ी आपको उनकी? खानी पड़ी होगी बस, जब गलती होती है सर डांटते नहीं, बिल्कुल प्यार से समझाते हैं कि ये नहीं होना चाहिए, आगे इसको रिपीट ना करें बस ऐसा। तो आपको मिले कि आप जो बनना चाहते हैं बन पाएंगे? बिल्कुल, मेहनत करूंगा सब बन। थैंक यू। क्या नाम है आपका? पारस जैन। पारस जी, कौन से पारस हैं आप? नहीं पता भाई, पारस नाम तो बढ़िया है ना। अच्छा, दिगंबर। पारस भी एक अच्छी चीज होती है नाम में, या नहीं है? अच्छी बात। तो आपने 12वीं परीक्षा पास की है, कितने परसेंट मार्क्स है आपके? मेरे ओवरऑल 87%। 87 भाई। और टॉप सब्जेक्ट वाइज कितने मार्क्स हैं? मेरे आईपी में है 97 और इको में 92, बिजनेस में 92 है मेरे, और मैथ्स में 85 है, एंड अकाउंट में 79 एंड इंग्लिश में 75। मैथ में नंबर क्यों हो गए? कहते हैं मैथ में तो 100 में 100 आते हैं, तो 87 आए आपके। 87 बताए मैथ में, 85 बताया आपने, तो 85 क्यों आए आपके इतने मार्क्स? स्पीड की वजह से लगे, स्पीड करते पर थोड़ा छूट गया तो उस वजह से, वरना फुली आते। समय सो आ सकते हैं ना, मैथ सब्जेक्ट ऐसा है। बिल्कुल आ सकते हैं। क्या बनना चाहते हैं आप भविष्य के अंदर? मुझे बिजनेस करना है अपना। किस टाइप का बिजनेस? जो आइडिया थोड़ा है मन में, रेनोवेटिव आइडिया नया, तो वो कौन सा बिजनेस फिर बताइए जनता को कि कौन सा बिजनेस करना चाहते हैं। जैसे बच्चे कहते हैं हम तो IAS IPS पढ़ेंगे, आगे आगे बढ़ेंगे हम। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, अभी मैं वर्क करूँगा, थोड़ा आइडिया गेट लूँगा मार्केट वार्केट से, तो जिस टाइप का होगा जैसी डिमांड होगी उसी जगह। क्या फादर भी आपके बिजनेसमैन हैं? बिजनेस, तो उनके ही बच्चे नोच हो गए आप, उनकी सहायता करोगे आप या एक्स्ट्रा काम करोगे? नहीं, एक्स्ट्रा करना है, हटके काम करना है, अपना यूज करना है। बेस्ट चीज़ कौन है आपके स्कूल के अंदर? नहीं, सारी बेस्ट हैं, जिनसे जो पूछो सब बता देते हैं, सपोर्टिव सारे बोलते हैं, मानते हो, सब बताते हैं? सब बताते हैं। अब तो आप जाने वाले स्कूल से बता दो कोई बेस्ट टीचर हो तो। नहीं नहीं, सारे बेस्ट हैं, कि तो कोई नहीं कि अकेले को बोल दूँ, सबने बहुत मेहनत की है पूरे साल ही, जो भी पूछो जिनसे बता देते थे, दिक्कत नहीं कोई। एक्स्ट्रा क्लास जब भी देनी होती, जब वो भी दिया उन्होंने, पेपर टाइम भी बोला था कि आना हो तो डाउट हो वही पूछ लो, तो ऐसा तो सारे टीचर ही बेस्ट हैं। थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक यू। क्या नाम है आपका? अनंत अग्रवाल। अनंत अग्रवाल। अनंत जी, अनंत जी आपने 12वीं परीक्षा पास की है, कितने परसेंट मार्क्स आए हैं? 85.6। तो सब्जेक्ट वाइज कितने हैं? सब्जेक्ट वाइज मैथमेटिक्स में 95 है, केमिस्ट्री में 94, कंप्यूटर साइंस में 91 एंड और फिजिक्स में 81। फिजिक्स में नंबर क्यों हो गए? फिजिक्स भी अच्छा सब्जेक्ट है, मैथमेटिक्स टाइप्स का ही है, फिजिक्स में नंबर कम क्यों हो गए? क्या पढ़ाई कम की थी या कम पढ़ाया गया आपको? पढ़ाया पूरा गया, पढ़ाई भी अपने से, बस उस टाइम पे थोड़ा सा ब्रेन पे आया नहीं पढ़ा। तो आपकी बेस्ट टीचर कौन है, किसकी याद करेंगे जाने के बाद स्कूल को? बेस्ट टीचर जैसे लगाव के हिसाब से तो हमारी केमिस्ट्री की टीचर है प्रतिभा, लेकिन बाकी पूरे स्कूल में सारे टीचर हमारे बेस्ट रहे हैं अब तक। तो प्रतिभा मैडम क्यों बेस्ट हैं केमिस्ट्री के अंदर, क्या वजह है इसकी? बस उनका समझाना बहुत अच्छा लगता है इसलिए। तो क्या बनना चाहते हैं भविष्य में आप? मरीन इंजीनियर। इंजीनियर कौन से बनना चाहेंगे? मरीन। तो उसमें भी कहते हैं कुछ भ्रष्ट इंजीनियर होते हैं, कुछ अच्छे इंजीनियर होते हैं, किस चाहिए, पैसा कमाना चाहेंगे या अच्छा काम करना चाहेंगे? काम, काम के लिए। कंफर्म में काम के लिए करना चाहेंगे आप? हाँ। सुना तो होगा आपने इंजीनियर भी बहुत पैसा खाते हैं। हाँ। उस किस्म में नहीं, उस किस्म में नहीं, नहीं। तो आपके आपके चेयरमैन साहब का क्या ऐसा व्यवहार है आपके प्रति? अच्छा, बहुत अच्छा। आप कब से हैं स्कूल में यहाँ? फर्स्ट
आप बायोसार होने जा रहे हैं, बायोसार में व्यवहार कैसा ठीक दिखाई दिया आपको? बहुत अच्छा। कभी डांट खानी पड़ी आपको? हाँ, कभी जब थोड़ी बहुत गलती हुई तो डांट खाई, वैसे मतलब गलती पे ही। वैसे कौन सी मिस्टेक की थी जब डांट खाई आपने? थोड़ा फाइट हो गई थी क्लास में, वैसे मजाक में। मजाक में? अब मजाक भी करते हैं स्कूल में। और डांट खानी पड़ी आपको? थैंक यू। क्या नाम है आपका? हिमानी चांदना। हिमानी चांदना। हिमानी जी, आपने 12वीं परीक्षा पास की है, कितने परसेंट मार्क्स आए आपके? जी, मेरे टोटल 89% मार्क्स हैं, जिसमें मेरे बिजनेस स्टडीज में 98 हैं और इंग्लिश में 94 एंड अकाउंट्स में 89। मैथ में कितने हैं? जी, मैथ्स में मेरे 85 हैं। तो मैथ तो बेस्ट सब्जेक्ट होता है, तो 98 दूसरे में आए हैं, तो इसमें नंबर कम क्यों आए, क्या वजह है? बस थोड़ी बहुत मिस्टेक थी मेरी, इस वजह से नंबर आए। आपकी कमी थी या कुछ टीचर्स की कमी थी? नहीं, टीचर्स ने बहुत अच्छा मेरे को पढ़ाया, बस थोड़ी बहुत क्या करना चाहती है आप? मैं टीचर बनना चाहती हूँ। कौन सी टीचर? स्कूल टीचर, कॉलेज टीचर, कौन सी बनना चाहती है? पैशन है, ड्रीम है बचपन से स्कूल टीचिंग करने का। टीचर क्यों बनना चाहती हैं आप? क्यों मन में है? क्या कहीं कमी देखी टीचरों में आपने जो बनना चाहती हैं? नहीं, एक्चुअली हमारा फैमिली बैकग्राउंड भी टीचर था, मेरी मॉम भी टीचर थी, तो इस वजह से मेरे को भी टीचर बनना। यार, तनख्वाह अच्छी है टीचर्स की, टाइम कम देते हैं, 4 घंटे जाते हैं घर आ जाते हैं और तनख्वाह अच्छी मिल जाती है। नहीं, पैशन है, बच्चों को पढ़ाने में अच्छा लगता है, मेरे को अच्छा लगता है, मतलब एजुकेशन देना, तो टीचिंग करनी। जब पढ़ने जाएंगी तो क्या ये दिन आपको याद आएंगे कि मैं भी पढ़ती थी? Yes. और मुझे टीचर पढ़ाते थे? Yes, of course. याद आएंगे आपको दिन? थैंक यू। क्या नाम है आपका? पूर्वी गुप्ता। पूर्वी गुप्ता जी, पूर्वी जी आपने 12वीं परीक्षा पास की है। Yes. कद छोटा है, नंबर अच्छे आए हैं, क्या वजह है? कद छोटे नवाज भी आपने बहुत मेहनत की है। फोकस के साथ पढ़ा था, डेडिकेशन के साथ, इस वजह से सब पूरा ईयर हार्ड वर्क भी किया था हर सब्जेक्ट के लिए। कितने परसेंट मार्क्स आए टोटल? 85%। और सब्जेक्ट वाइज कितने हैं? तो बिजनेस स्टडीज में 95, इकोनॉमिक्स में 93, इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस में 89 एंड अकाउंट्स में 79। तो आप संतुष्ट इन मार्क्स से नहीं है? पूरी तरीके से नहीं। क्यों क्यों संतुष्ट नहीं है? क्या पढ़ाई ठीक थी कि आपने, या कमी आ गई थी कुछ? सर, इससे ज्यादा एक्सपेक्ट किया था, बट ओके। तो क्या बनना चाहती हैं आप? सर, मैं अभी तो बीकॉम ऑनर्स करूंगी, उसके बाद बैंकिंग में जाऊंगी। तो बैंक में सर्विस करना चाहती हैं आप? यस सर। क्या चीफ मैनेजर बनेंगी या हेड ऑफिस में कहीं, क्या मन में है आपके? सर, वो तो देखते हैं। अभी कुछ आइडिया नहीं है आपको? आपको बेस्ट टीचर कौन पसंद है? सर, सब बेस्ट हैं टीचर्स, तो सभी अच्छी तरह से पढ़ाती हैं। कभी कोई दिक्कत आई है पढ़ने में? चेयरमैन साहब का कैसा व्यवहार है आपके प्रति? चेयरमैन साहब का कैसा व्यवहार है? कभी डांट खानी पड़ी आपको? नहीं। नो सर। कभी डांट नहीं खाई? थैंक यू। क्या नाम है आपका? सर, वंशिका शर्मा। वंशिका वंशिका जी, आपने 12वीं परीक्षा पास की है, कितने परसेंट मार्क्स आए? सर, 88%। इतने अच्छे मार्क्स कैसे आए आपके? क्या किया आपने, कितनी पढ़ाई की, कितने घंटे पढ़ती थी आप? सर, 8-10 आवर्स पर डे। आफ्टर स्कूल? सर, स्कूल टाइम में तो 5-6 आवर्स का टाइम होता था, पर जब हॉलीडेज होती थी तब 8-10 आवर्स पर डे। तो सब्जेक्ट वाइज कितने मार्क्स हैं? केमिस्ट्री में 95, फिजिक्स में 92, CS में 88 एंड इंग्लिश में 83 एंड मैथ्स में 81। मैथ तो अच्छा सब्जेक्ट है, क्या वजह है? जितने बच्चे हैं यहाँ आए इंटरव्यू देने, सबके मार्क्स कम आए मैथ में, क्या वजह है? क्या मैथ टीचर ठीक नहीं है? नो सर, टीचर अच्छे हैं, बट मैथ्स में मैंने भी ज़्यादा एक्सपेक्ट किया था, बट मार्क्स थोड़े कम रह गए हैं। कम क्यों रह गए, क्या वजह थी? कुछ तो वजह होगी ना, जब आपने 94% मार्क्स अटेंड किए हैं, तो इसमें मार्क्स कम क्यों आए, क्या वजह थी इसकी? कुछ पेपर लिखने के तरीके में ही कमी रही होगी शायद। क्या टीचर्स सिखाया नहीं आपको कि पेपर किस ढंग से देना है,
नो सर, सिखाया है, सब टीचर्स बहुत अच्छे हैं, कोऑपरेटिव हैं, बट स्टूडेंट से ही कुछ रह गया होगा, वैसे कमी रह जाए। आपकी मिस्टेक है, किसी मिस्टेक नहीं है। यस सर। तो आप क्या बनना चाहती हैं? सर मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहती हूँ। क्यों मन में आई, कोई घर में है इंजीनियर? यस सर, मेरे ब्रदर है और मामा भी हैं और मेरा इंटरेस्ट भी है प्रोग्रामिंग में, तो मैंने यही करियर चूज। यानी सबका देख रहे कि आप भी इंजीनियर बनना चाहती हैं? नहीं सर, प्रोग्रामिंग में इंटरेस्ट भी है, मैं कर लेती हूँ तो इसलिए। थैंक यू। क्या नाम है आपका? कुणाल अग्रवाल। कुणाल जी, आपने 12वीं परीक्षा पास की है नून भारती स्कूल से, तो आपके कितने परसेंट मार्क्स आए हैं? मेरे 86 पॉइंट समथिंग। क्या आप संतुष्ट हैं इन मार्क्स से? यस। आप संतुष्ट हैं? मतलब मैं थोड़ा और बेटर कर सकता था लेकिन नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया, क्या वजह थी? बस मैंने खुली थोड़ा कम ध्यान दिया अपने। कहीं पे कोई प्रैक्टिस करी किसी चीज़ की या कोई तैयारी करी थी एग्जाम की? हाँ, ऐसा नहीं कह सकते। कौन सा एग्जाम तैयारी की थी आपने? BMS। इसका कारण आपके नंबर कम आए हैं थोड़े। यस। तो सब्जेक्ट वाइज कितने मार्क्स हैं आपके? सब्जेक्ट वाइज BST में आई गॉट 95 और मैथ्स में 90, IP में 92, इंग्लिश में 83 और अकाउंट्स में 79। तो इंग्लिश कमजोर है आपकी, 83% मार्क्स आए जो? हाँ, मैं थोड़ा पेपर ऐसा कह सकते हैं कि छूट गया, लेंथी पेपर था। तो आप बेस्ट टीचर कौन है जिनको अच्छा समझते हैं, जिनको आप कहते हैं कि इनसे भविष्य में अच्छा रहेगा? बेस्ट तो सभी बेस्ट है, सभी कॉर्पोरेटिव है। फिर भी कोई तो बेस्ट होता ही टीचर जिसको बहुत ज़्यादा चाहते हैं आप? आपने देखा होगा बहुत से कहते हैं टीचर्स, पूछा बताया, बहुत से टीचर डांट देते हैं। नहीं, बेस्ट टीचर कौन है आपका स्कूल में? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, सभी बेस्ट है, कुछ ऐसा कह नहीं सकते पर्टिकुलरली कि ये बेस्ट है। तो आप भी चश्मा क्यों पहना हुआ, कब से पहना हुआ चश्मा आपने? 1.5 साल हो गया। तो क्या चश्मा उतर नहीं सकता? नहीं, ऐसी बात नहीं है, अभी डॉक्टर ने मुझे एडवाइस किया था कि 18 ईयर्स के बाद हटवाना। हट सकता है चश्मा ना? थैंक यू। अब आपका एक शॉर्ट से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। इंटरनेशनल हैप्पी स्कूल भोलानाथ नगर में एक ऐसा स्कूल जहां बच्चों की पढ़ाई पर विशेष ध्यान दिया जाता है। बच्चों की बेहतर पढ़ाई के अलावा कंप्यूटर शिक्षा सिखाने के साथ साथ विज्ञान प्रयोगशाला भी है। यहां अध्यापिकाएं खेल के माध्यम से बच्चों को आसान तरीके से पढ़ाना सिखाती हैं। समय समय पर विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताओं में बच्चों को पुरस्कार प्रदान करके उनकी प्रतिभा को बढ़ावा दिया जाता है। सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त इंटरनेशनल हैप्पी स्कूल। पता इंटरनेशनल हैप्पी स्कूल भोलनाथ नगर अपोजिट रामलीला ग्राउंड शाहदरा 32। फोन नंबर 2230629223923314। MBM इंटरनेशनल स्कूल, जैसा नाम वैसी ही शिक्षा। यमुना पार में एक ऐसा स्कूल जहां योग्य एवं अनुभवी अध्यापक व अध्यापिकाओं का प्रबंध है। यहां पढ़ाई के साथ साथ खेलकूद, स्काउट गाइड, NCC, NSS, योगा, कंप्यूटर शिक्षा, पिकनिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम भी कराए जाते हैं। अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा के अलावा पुस्तकालय सुविधा, प्रयोगशाला तथा बच्चों के लिए यातायात सुविधा भी उपलब्ध है। MBM एक ऐसा स्कूल जहां NCERT तथा CBSE दोनों पाठ्यक्रम पढ़ाए जाते हैं। जल्द ही संपर्क करें, नर्सरी कक्षा में दाखिला फ्री। पता MBM इंटरनेशनल स्कूल, D508/8, गली नंबर 3, मेन वजीराबाद रोड, नजदीक रेलवे फाटक, अशोक नगर, दिल्ली 93। तो
फोन नंबर 2257-3594, वेबसाइट www.siddharthinternational.com. Ready to have a feast of taste as ABS Enterprises presents देवभूमि उत्तरांचल का उत्कृष्ट उत्पादन CKG माउथ वाटरिंग फ्रूट जैम्स continental sauces pickles in different flavors vinegar delicious tomato ketchup you and CKG what it break kya hoga aapka swagat hai kya naam hai aapka suhani ji suhani ji aapne 10th ki pariksha pass ki hai kitne marks aaye hain ji mere aggregate aaye hain 92% best kisme maths 90 ghar pe main aa gaya hu 4 number kam kyon ho gaye aapke wo thodi mistakes ho jati hai हो जाती है या जान पहचान की हुई या जानती थी मिस्टेक है मुझे बाद में पता चला कि एग्जाम हो चुका था फिर मैंने जब चेक किया तो मिस्टेक क्या अपनी परसेंटेज से आप खुश हैं सेटिस्फाइड हूँ पर मैं और कर सकती थी अभी तो 11वीं में आई हैं आप 12वीं में जाएंगी तो क्या ये अच्छे मार्क्स आएंगे भविष्य के अंदर इनसे अच्छे आएंगे या इतने आएंगे मैं अपनी तरफ से पूरी मेहनत करूँगी I'll give my best and अब उस पर depend करता है कि फिर अब कितने हैं। Best teacher कौन है आपका? जी मुझे maths teacher ने हमें बहुत अच्छा पढ़ाती है doubts भी clear करती है बिल्कुल और मतलब सब कुछ अपनी तरफ से वो अपना best देती है। कभी डांट खानी पड़ी आपको नहीं? जी कभी कभी हो जाता है। क्यों? जैसे कुछ डिस्कस कर रहे हो मैम को पसंद नहीं आया उनसे डिस्कस या साथ ही करती थी आप साथ फोन करती थी या नहीं डिस्कस तो क्या बनना चाहेंगे 12वीं के बाद जी मुझे एस्ट्रोनॉमी की फील्ड में जाना है एस्ट्रोनॉमी की फील्ड में जाना है क्यों ऐसे मन में क्यों आई मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जानना कि कैसे होता है सब कुछ एंड स्पेस में बिल्कुल कैसे बिल्कुल सिस्टम कैसा है सब तो कुछ कैसे होता है क्या कोई घर में भी कोई आपके है तो कहाँ से सीखी आपने बातें सब क्या टीवी देखती हैं या अखबार में पढ़ा गई आपने कि मुझे ये बनना है टीवी में भी देखे थे प्रोग्राम्स आते हैं इससे रिलेटेड काफ़ी तो उसमें भी आया क्या उम्मीद है आप बन पाएंगे मैं अपनी पूरी मेहनत करूँगी अपने लिए तो पूरी मेहनत करूँगी जो मैं कर सकती हूँ अपने उससे कॉन्फिडेंस है आपको अपने पर हाँ वो कर थैंक यू क्या नाम है आपका पलक तायर आप प्रगति बड़ी खुश दिखाई दे रही हैं मुस्कुराहट मैंने देखी बच्चे बहुत आए मुस्कुराहट बहुत तुम बच्चों पाई है क्या है आज मुस्कुराहट का आपका ऐसा कुछ नहीं है बस नर्वसनेस नहीं है खुशी है इसलिए मुस्कुराहट है नर्वसनेस कैसे आती है इंसान को बच्चे पढ़ते हैं क्यों आती है नर्वसनेस आ जाती है जेन्युइन चीज है अगर हम मेहनत करते हैं फिर रिजल्ट आता है तो थोड़ा सा नर्वसनेस तो रहता ही है कि कैसा रहेगा या फिर कैसा नहीं रहेगा आपके 10वीं के अंदर कितने परसेंट मार्क्स आए हैं मेरे 91.2 बेस्ट सब्जेक्ट में कौन सा है आपका मैथ्स कितने मार्क्स आए 98 दो नंबर कम कैसे गए कुछ गलतियां हुई होंगी हुई होंगी है शायद मुझे पता नहीं है बट कुछ रहा होगा कैलकुलेशन मिस्टेक्स या फिर कुछ यदि 100 में से 100 आते तो कितना बढ़िया होता बहुत अच्छा होता तो आगे कोशिश करेंगे 100 में 100 आए हां बिल्कुल आप बेस्ट टीचर कौन है जो आपको अच्छा पढ़ाते हैं मैथ्स टीचर नेहा मैम मार्क्स अच्छे आए हैं अच्छे नहीं ऐसा नहीं है बट वो बहुत मेहनत करती हैं हम लोगों के साथ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कराती हैं एंड बहुत अच्छी हैं वो इसलिए कभी डांट भी खानी पड़ी उनकी हाँ कभी कभी बातें करते हुए या कभी जैसे कुछ डिस्कस कर रहे हैं तो हो जाता है डांट पड़ जाती है बट ज़्यादा नहीं कभी कभी तो भविष्य में क्या बनना चाहती हैं आप मुझे पहले तो IIT का एम है देन मुझे एस्ट्रोनॉमी की फील्ड में जाना है ताकि मतलब इंटरेस्ट हैगा इसमें बाकी देखते हैं अभी आपसे पे मैंने इंटरव्यू लिया वो भी आपकी हाँ हम दोनों का सेम हैगा क्या दोनों ने मिस कॉल किया है कि हम दोनों ही काम करने चाहते हैं नहीं ऐसा कुछ नहीं है बस दोनों का सेम ही जगह इंटरेस्ट हैगा थैंक यू क्या नाम है आपका शोभित सभी जी आपने 10वीं का परीक्षा पास की है नवीन भारती स्कूल से कितने परसेंट मार्क्स आए आपके 91 बेस्ट सब्जेक्ट कौन सा आपका मैथ्स कितने परसेंट आए 97 तीन परसेंट नंबर कम क्यों गए तीन नंबर क्या वजह कहाँ कम हुई है बच्चे मेरा फॉर्मूले मामले जो साइड में लिखना होता है वो शायद से रह गए पता था आपको कि मिस्टेक हुई है हाँ पता था मैं मतलब तब कर रहा था लेकिन मेरे क्वेश्चन में थोड़ी गलतियाँ हो गई पता था घर पे आके पता लगा वैसे
तुम बेस्ट टीचर कौन है जो आपको अच्छा पढ़ाते हैं? मैथ्स। मैथ ही बेस्ट है? क्यों बेस्ट है वो, क्या वजह है उनको बेस्ट का आपने? वो अच्छा पढ़ाते हैं और कई सारे बुक्स कवर कराती हैं हमारी, मतलब कि जैसे RDP कराई, RSP कराई, ये लाइक्स वगैरह और कई सारे टाइप के क्वेश्चन कराए, पढ़ाने का तरीका अच्छा था, फॉर्मूले वगैरह सारे बताए उन्होंने इस वजह से। तो भविष्य में क्या बनना चाहते हैं आप? IIT से मतलब कि करना चाहता हूँ मैं तो। क्या करना चाहते हैं? मतलब कि उसमें जो भी फील्ड में आ जाए मेरा, वैसे तो एस्ट्रोनॉमी में ही है मेरा ज़्यादा, क्योंकि मैं डिस्कवरी साइंस वगैरह भी ज़्यादा देखता हूँ, बट वैसे करने को कर सकता हूँ, बट एस्ट्रोनॉमी में है। क्या वजह है सब बच्चे आप नवीन भारती के एस्ट्रोनॉमी जा रहे हैं, क्या वजह है? कोई आपने कोई गुट बनाया हुआ है कि हमें ये काम करना सब? नहीं, और का बता नहीं, कि मैं तो मतलब डिस्कवरी साइंस में स्टार्स वगैरह का देखता हूँ तो इसलिए अच्छा लगता है। आपकी मुस्कुराहट का राज क्या है? बच्चे और भी आए हैं, कम मुस्कुराए हैं, आप मुस्कुराते रहते हो, क्या वजह है? क्यों मुस्कुराते हो ज़्यादा? ऐसी नहीं, क्या खुशी पाई है जो मुस्कुराहट कहते हैं, बहुत अच्छा धन है एक। नहीं, इंटरव्यू हो रहा है, ऐसे अच्छा लग रहा है। थैंक यू, थैंक यू। क्या नाम है आपका? मेरा नाम तन्मय जैन। तन्मय जैन। जैन तन्मय जी, आपने 10वीं परीक्षा पास की है, कितने परसेंट मार्क्स आए आपके? मेरे 84%। क्या आप इस मार्क्स से संतुष्ट हैं? क्यों नहीं संतुष्ट हैं, कहाँ कमी है? मैं जितने टाइम के लिए पढ़ा था, मेरे को उससे ज़्यादा टाइम के लिए पढ़ना चाहिए। तो पता था ना कि ज़्यादा पढ़ना चाहिए, फिर कम क्यों पढ़े? मैं जितने टाइम के लिए पढ़ा, मुझे लगा इससे मेरे सही नंबर आ जाएंगे, मगर जब पेपर वगैरह सामने आए, मेरे नंबर सब सामने आए, तो पता चला कि इससे काम नहीं होगा और ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। जबकि आपकी 84% आए हैं, पर एक सब्जेक्ट में सुना है बहुत अच्छे नंबर आए। कौन सब्जेक्ट है जिसमें अच्छे नंबर आए हैं? मैथ्स। कितने मार्क्स आए हैं? 99। तो इसमें अच्छे कैसे आ गए आपके? 1% बढ़ जाते आप तो 100 में 100 होते। मैथ्स में मेरा बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, मुझे मैथ्स करने में मज़ा आता है। तो क्या मैथ ही टीचर बहुत बढ़िया हैं जो इतने अच्छे मार्क्स आए हैं? हाँ, मैथ्स के टीचर अच्छे हैं। तो आप भविष्य में क्या बनना चाहते हैं आप? मैं भविष्य में CA बनना चाहता हूँ। क्यों बनना चाहते हैं CA आप? मेरे को कॉमर्स साइड लेके CA इसलिए बनना चाहता हूँ, मेरे को CA का जो काम है वो मेरे को पसंद है। क्या घर में पापा भी CA हैं, भाई CA हैं? मेरी सिस्टर CA है। मेरी सिस्टर के कदम चल जाते हैं आप कि सिस्टर CA है, मैं भी CA बनूं। तो कौन सा CA बनेंगे आप? जानते हैं CA किस टाइप के होते हैं? पैसे भी खाते हैं और काम भी निकालते हैं, इनकम टैक्स सेटेक्स में फंसाते रहते हैं, वो बनोगे या ठीक बनोगे? मैं ठीक से बनूंगा, मैं पैसे नहीं खाऊंगा। थैंक यू। क्या नाम है आपका? मायसेल्फ अपूर्व एरन। अपू? अपूर्व एरन। अपू? अपूर्व। अपू? यस। एक पू होता है, एक अपू होता है। इट्स अपूर्व। तो आपने 10वीं परीक्षा पास की है, कितने परसेंट मार्क्स आए आपके? सर मेरे 85% है, जिनमें से मेरे मैथ्स में 99 है, साइंस एंड संस्कृत में 90 है, एंड और बाकी सब्जेक्ट्स में थोड़े कम है। जैसे मैथ्स में आपके 99 आए हैं, तो संस्कृत सब्जेक्ट ऐसा है जिसे भी 100 में से 100 सुना सकते हैं, कि 10 नंबर कम कैसे रह गए? ये सर मुझे पता है कि कम रहेगा, पर मैंने इतनी प्रैक्टिस की थी कि मेरे 95+ आ जाएं, मेरी वो भी थी कि आ ही जाएंगे 95+, पर सर पता नहीं कमी कहाँ गई। सर प्रैक्टिस तो पूरी की थी, पर वही होता है ना कि जब बैठते हैं CBSE बोर्ड में तो हेजिटेशन भी होती है कुछ। बेस्ट टीचर कौन है आपका? सर आई लव मैथ्स, तो मैथ्स टीचर। क्या वजह है मैथ के टीचर सबको पसंद हैं, सबके अच्छे मार्क्स आए हैं, 99, 98, 97? सर वो हमें एक्चुअली एक्स्ट्रा टाइम भी देते हैं, अगर हम उनसे डाउट पूछते हैं तो वो हमें स्कूल के बाद रुक के भी बता देते हैं, जिस वजह से एक्स्ट्रा भी हो जाता है हमारा बहुत कुछ। जब आप पूछते हैं एक्स्ट्रा तो डांट खानी पड़ती है, बिना डांट खाए बता देती हैं? नहीं, हम मैम खुद टाइम देती है कि इस टाइम आ जाना, तो हम आ जाते हैं, हम हमेशा स्कूल के बाद। आप भविष्य में क्या बनना चाहते हैं आप? मैं इंजीनियर बनना चाहता हूँ, जैसा कि मेरे भाई और बहन भी हैं। तो भाई बहनों का दोष होगा आप कि वो भी इंजीनियर, तो मैं भी इंजीनियर बनूँ? नहीं सर, मेरा इंटरेस्ट भी है, क्योंकि जैसे मैं भाई बहन को देखता हूँ तो उनका काम ऐसा है कि ऐप बनाना, तो मुझे वो भी बहुत पसंद है, तो मतलब मैं अपनी भी कुछ चीज़ बनाऊँ। क्या बनाना चाहते हैं अपनी चीज़ आप? सर ऐप, ऐप में, ऐप में जाना चाहते हैं आप? सर थैंक यू। क्या नाम है आपका? ऋषिका।
ऋषिका ऋषिका जी, आपने दसवीं परीक्षा पास की है, कितने परसेंट मार्क्स आए आपके? 87.3। बेस्ट सब्जेक्ट में कौन सा है आपका जिसमें मार्क्स अच्छे आए? मैथ्स में 97, असिस्टिंग संस्कृत में 95 एंड देन साइंस में 90। तो मैथ में इतने तीन चार नंबर तुम कैसे आएंगे? 100 में 100 आ सकते हैं, संस्कृत में 95 आए आपके, 100 नंबर आ सकते हैं संस्कृत में, जानते हैं आप? यस सर, वो पेपर के टाइम पे हो जाता है कभी कुछ। क्यों हो जाता है पेपर के टाइम? सर हमने पहली बार बोर्ड अटेम्प्ट करा था अपनी लाइफ में, सो उसका टेंशन। यस सर, टेंशन स्ट्रेस सब होता है। क्या स्कूल में बताया नहीं गया कि टेंशन नहीं करेंगे, पेपर नहीं जाएंगे आप? सर सब प्री बोर्ड भी होती है, स्कूल में प्री बोर्ड पेपर होंगे, क्या उस टाइम टेंशन नहीं थी? सर उस टाइम भी थी, लेकिन एक नए टीचर के साथ हैंडल करना, सब कुछ नया होता है, तो उसमें थोड़ा हो गया था गड़बड़ हो गई थी। बेस्ट टीचर कौन है आपकी? सर सभी हैं। सभी हैं या कोई खास है टीचर जो आप बहुत चाहते हैं आपको? सर सभी हैं, सभी ने हमारा बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन करा हमारे रिजल्ट में, सभी हैं। तो भविष्य में क्या बनना चाहती हैं आप? आर्किटेक्चर। थैंक यू। क्या नाम है आपका? सौम्या जैन। सौम्या जी, आपने दसवीं परीक्षा पास की है नवीन भारती से, कितने परसेंट मार्क्स आपके आए हैं? 90.4% एग्रीगेट। इतने अच्छे मार्क्स कैसे आ गए आपके? क्या किया आपने? सेल्फ स्टडीज थी अपनी, और टीचर्स को बहुत सपोर्ट था यहाँ पर, उन्होंने बहुत हेल्प करी है मेरी स्टडीज में। दैट इज व्हाट आई। सेल्फ स्टडी कितने घंटे करती थी आप? 5 to 6 hours। सुबह उठती थी या शाम को पढ़ती? ज्यादा मॉर्निंग में। मॉर्निंग किस टाइम उठ के पढ़ती थी आप? 4 to 7 तक पढ़ती थी कम से कम, क्यों स्कूल भी आना होता होगा आपको। तो क्या मम्मी उठाती थी या खुद उठ जाती थी 4 बजे? खुद उठ जाती थी, जब अंदर जुनून होता है करने का तो अपना आँख खुली जाती है। आप 94.5 आए, बेस्ट सब्जेक्ट कौन सा है आपका जिसमें अच्छे मार्क्स आए? 90.4%। कौन से सब्जेक्ट में? एग्रीगेट 90.4% है मेरा, और मैथ्स में मैंने 95 स्कोर किया है, और साइंस में 92। भविष्य में क्या बनना चाहती हैं आप? आई वांट टू बी अ डॉक्टर, ऑनेस्ट डॉक्टर। कौन से डॉक्टर? न्यूरोलॉजिस्ट। न्यूरोलॉजिस्ट। डॉक्टर क्यों बनना चाहती हैं आप? हेल्प करना बहुत अच्छा लगता है शुरू से ही, तो मैं चाहती हूँ, मैं कभी कोई करप्शन नहीं करना चाहती। अगर कोई सफिशिएंट है देने के लिए मुझे अपनी फीस, तो मैं लेने मतलब मना नहीं करूँगी, पर अगर जो नहीं देना चाहते मतलब या उनके पास नहीं है उतना देने के लिए, तो मैं उन्हें कभी फोर्स नहीं करूँगी। जैसे मैंने देखा है डॉक्टर्स, इतनी ज़रूरत नहीं होती पैसों की पर फिर भी लेते हैं, तो मैं वो नहीं करना चाहती। जिसको नीड है, हेल्प है, और मैं वो चीज़ फील कर सकती हूँ कि जब तुम्हारे पे कोई प्रॉब्लम आती है तो तुम्हें कैसा फील होता है उस टाइम, तो मैं वो किसी को वो फील नहीं होना देना चाहती। आप जानते हैं 90% डॉक्टर ऐसे हैं जो पैसे छूटते नहीं, नर्सिंग होम बना देते हैं जहाँ मोटी मोटी फीस जाती है। क्या वैसी बनोगी आप? क्या उसी पे उस पे जाएंगे आप? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं ऐसा डॉक्टर बनना चाहती हूँ कि लोग मेरे पास वापस आए, मतलब मुझे मैं बीमारी के लिए वापस ना आए, पर ये जरूर कह के जाएं कि आपके जैसे डॉक्टर मैंने कभी नहीं देखा। ये चाहती हैं आप? क्यों मन में आती है ये बातें? क्या माता पिता कहते हैं आपसे? उन्होंने आज तक मुझे कभी किसी चीज के लिए फोर्स नहीं किया, बल्कि वो मुझे इंजीनियर बनाना चाहते थे, पर एक अंदर लगन थी मेरे अंदर डॉक्टर बनने की, क्योंकि मैं कभी मेहनत करने से पीछे नहीं हटी हूँ आज तक। अगर मुझे करने हैं तो करना है। आप जानते हैं डॉक्टर बनने की टेस्ट होगा, क्या वो टेस्ट पास कर पाएंगे आप? मैंने आज तक एक चीज सोची और आगे भी सोचती रहूंगी कि अगर तुम कोशिश करोगे तो यह संभावना है कि तुम हारोगे या जीतोगे, पर अगर तुम कोशिश ही नहीं करोगे तो यह निश्चित है कि तुम हारोगे। तो बस कोशिश करूंगी, अब ये तो संभावना पूरी है कि जीतूंगी या हारूंगी, तो जरूर करूंगी और अच्छे नंबर लाऊंगी। आपने जी नहीं कहा कि मैं जीतूंगी, आपने जीतूंगी हारूंगी ये तो बात है, जीतने की बात नहीं कि मैं जीतूंगी, बस एडमिशन होगा मेरा। जीतूंगी ही और अच्छे कॉलेज में एडमिशन लूंगी। थैंक यू। क्या नाम है आपका? मेरा रोहित है। रोहित जी, आपने दसवीं परीक्षा पास की है, कितने परसेंट मार्क्स आए? मैं एग्रीगेट 90.2% है। बेस्ट सब्जेक्ट कौन सा है आपका जिसमें अच्छे मार्क्स आए? बेस्ट सब्जेक्ट संस्कृत, उसमें 97 है, मैथ्स में 95 है। तो संस्कृत में सुना है 100 में से 100 नंबर आते हैं, मैथ में 100 में से 100 आते हैं, तो 3 नंबर कम उसमें आएगी, 5 नंबर मैथ में कम आएगी, क्यों? वो थोड़ा वो प्रेशर था ना उसका, एक तो टाइम का भी था, ऊपर नई जगह पहली बार बोर्ड दे रहे थे। तो क्या बोर्ड की प्रैक्टिस कराएंगे स्कूल में? पेपर होते हैं
उसकी प्रैक्टिस बहुत बढ़िया कराई गई थी यहाँ पे, लेकिन बाहर की साइड जो वो होता है ना प्रेशर अलग से टाइम वगैरह का, ऊपर वो थोड़ा वो हो गया था। तो ये दबाव जो 12वीं का भी बोर्ड का पेपर होगा, ये दबाव बनाएगा उस टाइम या कम हो जाएगा जब 12वीं पेपर देने जाएंगे आप? उस टाइम थोड़ा कम हो जाएगा क्योंकि वहाँ और भी मेहनत कराई जाएगी, अभी जितनी कराई गई थी वो भी बहुत इनफ से बहुत ज़्यादा थी। बेस्ट टीचर कौन है जिसको आप मानते हैं आप? बेस्ट टीचर सारे, क्योंकि सबने फुल सपोर्ट दिया हमें। क्या सपोर्ट दिया आपको फुसपुर का, आपने क्या सपोर्ट किया आपको? हमें अच्छी तरीके से वो समझाया, अगर हर एक कंसेप्ट क्लियर किया, जिसमें डाउट थे हम कभी भी पूछ सकते थे, वो बड़े आराम से क्लियर किए, उसमें कोई ऐसा नहीं है कि हम कल बताएंगे या बाद में बताएंगे। हमें एक्स्ट्रा क्लासेस भी दी गई जब भी हमें ज़रूरत थी, एग्जाम के टाइम पे जिस टॉपिक में हमें वो डाउट लगते थे हम तभी कॉल करके आ जाते थे वो पूछने, वो भी हमें बहुत अच्छे से क्लियर करे। कभी डांट खाई टीचर्स की आपने? हाँ, जब वो टीचर ने समझाया था और बीच में वो अगर उसमें हम नहीं कर पाते थे ना तो टीचर उसमें डांटते थे कि वो इसमें मिस्टेक कर रह गई, अगर आपको दिक्कत आ रही है तो पूछो, इस बात पर डांट पड़ती है। मैंने एक बार पूछा नहीं था। क्यों नहीं पूछा? क्या आप बच्चों से साथ बात करने बिजी थे उस टाइम? नहीं। फिर क्यों नहीं पूछा? उसमें थोड़े चीज़ में डाउट लग रहा था, लेकिन थोड़ी झिझक भी थी कि ये डाउट सही है नहीं, लेकिन जब सर ने एक बार अच्छे से क्लियर कर दिया तो वो झिझक खुल गई थी, फिर बाद में हर डाउट मेरा क्लियर होता चला गया था अपने आप। तो भविष्य में क्या बनना चाहते हैं आप? कंप्यूटर साइंस इंजीनियर। कौन सा इंजीनियर? कंप्यूटर साइंस इंजीनियर। बढ़िया इंजीनियर, भ्रष्ट इंजीनियर? आप जानते हैं इंजीनियर कितने कैसे हैं, जानते हैं आप? भ्रष्ट तो काफ़ी है, लेकिन बढ़िया वाला बनना है। उम्मीद है बढ़िया बनेंगे आप। थैंक यू। क्या नाम है आपका? कार्तिक। कार्तिक गोयल जी, आपने 10वीं परीक्षा पास की है, नवीन भारती से कितने परसेंट मार्क्स आए आपके? 89%। आप इस परसेंटेज से संतुष्ट हैं? नहीं, पहले तो मेरे को लग रहा था कि मेरे कम आएंगे, पर हमारी यह बुलेटिन सदैव आपके साथ है। यदि आपके क्षेत्र में कोई समस्या हो या राजनीतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक या अन्य कोई कार्यक्रम हो तो हमें सूचित करें। हमारे फोन नंबर है 2221206 3800 2221 0637 9817 2184 8981875 2। हमारा फैक्स नंबर है 2211 0638। ईमेल आपके पास @yahoo.in। हमारी वेबसाइट है www.delhi8pm.com। आप हमें फेसबुक, यूट्यूब, व्हाट्सएप, ट्विटर और गूगल पर भी देख सकते हैं। हमारा आज का यह बुलेटिन यह समाप्त होता है, फिर मिलेंगे, तब तक के नमस्कार। हमारा पता है 198/श्री राम नगर, शहर, दिल्ली 32।